हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमान और आप लोग देख रहे हैं जमान वैसे फैशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों को फिर से मेरे चैनल में स्वागत कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आधार कार्ड की कुछ बातें जो कि आपको नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देख ही चुका है कि आजकल जो आधार कार्ड होता है वो बंद करके रखा हुआ है। अगर आपका भी साल 18 साल से ज्यादा है और आपने भी कई बार एनरोलमेंट किया हो और आपका जो आधार कार्ड है वो रिजेक्ट हो जाता है, और तो अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो फिर वो प्रोसेस में रह जाता है, होल्ड पे रह जाता है। तो इसका कारण क्या है, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा कि 18 साल से ज्यादा लोगों का आधार कार्ड रिजेक्ट और एनरोलमेंट प्रोसेस क्यों दिखाता है, उसका हाल क्या है। ठीक है, यूआईडीआई ने नोटिस जारी किया है आपसे कि 18 प्लस जो आधार कार्ड है वो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपके साल 18 साल से ज्यादा है तो आपके लिए बुरी खबर है कि अगर आपने आधार कार्ड पहले नहीं बनवाया है तो आपका बहुत समस्या आने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, आपको बहुत सारा समस्या आने वाला है क्योंकि आपसे आप नया आधार कार्ड नहीं बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके साल 18 साल ज्यादा है, अगर आपके आधार कार्ड बहुत ही जरूरी है, आपका कुछ काम नहीं हो रहा है आधार कार्ड से, तो आप आधार कार्ड अभी भी बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारा समस्या आपको आने वाला है, बहुत सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो आधार कार्ड है वो आप बना पाएंगे। ये सारा प्रोसेस मैं अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहेगा और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। तो फ्रेंड्स, वो क्या क्या गाइडलाइन है मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सा आपको प्रोसेस अपनाना पड़ेगा कि आपका जो आधार कार्ड है बनवाने के लिए। वो प्रोसेस यूआईडीआई ने जारी कर दिया है, तो आपका अगर 18 प्लस से ज्यादा है एज तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस फॉलो करके आपको बनाना पड़ेगा। तो वो बहुत लंबा सारा प्रोसेस है, मैं आपको लैपटॉप में जाके स्क्रीन पर जाके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि किस तरह से आपका जो 18 प्लस आधार कार्ड, अगर आप 18 साल से ज्यादा हो, आपका आधार कार्ड बार बार रिजेक्ट हो रहा है या प्रोसेस में या होल्ड पे है, तो आपका आधार कार्ड बनवा सकते हो वो प्रोसेस अपना कर। मैं स्टेप बाय स्टेप में लैपटॉप के स्क्रीन पर जाके मैं आपको दिखाऊंगा, तब तक आप वीडियो में बने रहेगा और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी तरह से इन्फॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, और एक नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दूंगा कि यूआईडी ने और एक नोटिस जारी किया है, मैं आपको उस नोटिस के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे उन लोगों ने जो नोटिस जारी किया है इस नोटिस में, तो उस नोटिस में बताया यूआईडी न्यू गाइडलाइन जो है, यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा, जो कि 13/10/2022 में ही ये नोटिस जारी किया गया, 2022 में ही ये नोटिस जारी किया गया है। हालांकि आपको नहीं मालूम होगा, अगर आपको मालूम भी है मैं फिर से आपको मैं रिमाइंड कर देता हूँ। यहाँ पे 18 प्लस आधार नोट जेनरेट, ठीक है, ये जो बंद पड़ा है आपका, जो अगर 18 प्लस से ज्यादा है आपका आधार कार्ड प्रोसेस में क्यों है, तो ये 10/2022 में ही ये बंद करके रखा है यूआईडीआई ने। जी बिल्कुल, यहाँ पे डेट दिया है 13/10, मतलब 13/10/2022 साल से ये बंद है, 18 प्लस से ऊपर का जो आधार कार्ड है वो जेनरेट होना बंद कर दिया था। ठीक है, यूआईडी ने नोटिस जारी किया था, हर एक सुपरवाइजर, हर एक ऑपरेटर को उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप लोग जो है 18 प्लस आधार कार्ड को इनरोल नहीं करना है। ठीक है, इनरोल नहीं करना है। तो बहुत सारे पैसे के लालच में आकर आधार कार्ड बनवा तो लेते हैं, लेकिन वो प्रोसेस में रह जाता है, होल्ड पे रह जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो गाइड आप मैं बताऊंगा, अगर आपके साल भी 18 साल से ज्यादा है और आपका भी आधार कार्ड नहीं हुआ, आपका भी सेम समस्या है, तो आप फिलहाल आधार के लिए सेंटर में ना जाए। ठीक है, मैं जो प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस अपना कर आपको आधार कार्ड सेंटर जाना होगा। अगर वो प्रोसेस आपने फॉलो नहीं करोगे तो आधार कार्ड आपका फिर से प्रोसेस में चला जाएगा, फिर से होल्ड पर हो जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोई फायदा नहीं, आपका मनी भी बेकार वेस्ट हो जाएगा और आपका समय भी बेकार में जाएगा। ठीक है, तो आप ये जो मैं स्टेप बताऊंगा इस स्टेप को फॉलो करके ही आप जाइएगा, वरना कुछ भी काम के आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये बंद है, इसीलिए आपका जो आधार कार्ड है वो नहीं जनरेट हो रहा, 2022 साल से ये बंद है, 18 प्लस आधार कार्ड जनरेट होना बंद है। ठीक है, उसके बाद स्टेट कोऑर्डिनेट कमेटी, यूआईडी ने एक स्टेट कोऑर्डिनेट कमेटी जारी कर दिया है, मतलब गठन क्या है, तो उस गठन में क्या होगा, आपका जो एनरोलमेंट है वो प्रोसेस में रहेगा, होल पे रहेगा, वो लोग वेरीफाई करने के बाद आपका जनरेट होगा। तो वो प्रोसेस में लैपटॉप के स्क्रीन पर जाके बताऊंगा किस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, तो तब तक ये होल पर रहेगा। और एक फ्रेंड्स, अगर आपका साल 18 साल से ज्यादा हो और आपका करेक्शन करना है आधार कार्ड, पहले तो आप एड्रेस, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आप ऑनलाइन भी करेक्शन कर सकते थे, लेकिन ये फिलहाल बंद है। ठीक है, सिर्फ आप ऑनलाइन ही आप एड्रेस ही अपडेट कर सकते हैं,
ऑनलाइन आप सिर्फ एड्रेस ही अपडेट कर सकते हैं, इसके अलावा नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आप लोग करेक्शन नहीं कर सकते हो। यूआईडीएन ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एनरोलमेंट सेंटर पे चले जाए फिर से आपका जो करेक्शन करने के लिए, तो आपका नाम, आपका जेंडर, आपका जो एड्रेस है वो बदल पाएंगे, लेकिन आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बदल नहीं पाएंगे। अगर आपके साथ 18 साल से ज्यादा है, 18 वर्ष से ज्यादा है, 18 प्लस एंड अबव आपका एज है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आप नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं बदल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपके एज 18 साल से ज्यादा है तो आप आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है, जो जन्म तिथि है, वो आप बदल नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको बहुत सारा लंबा प्रोसेस आपको अपनाना पड़ेगा, जो कि मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर जाकर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप एनरोलमेंट सेंटर में जाकर भी आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका केयर ऑफ ये बदल पाएंगे, आपका जेंडर बदल पाएंगे, लेकिन आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो डॉग है, आपका जो जन्म तिथि है, वो आप बदल नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं बदल पाएंगे। एनरोलमेंट सेंटर जाकर भी आप बदल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये फैसिलिटी बंद कर दिया गया है। तो ये जो जॉब है, ये जॉब कौन लोग चेंज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए यूआईडीएन ने गाइडलाइन दिया है कि 0 से 18 साल से जो लोग है, 0 से लेकर 18 साल से अंदर जो लोग है, वो लोग ही बदल पाएंगे, मतलब चाइल्ड के लिए, ठीक है। ये सिर्फ चाइल्ड के फैसिलिटी दिया गया है। अगर उन लोग चाहे तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो बदल सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही अप्रूव होगा। उसके लिए कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स, कोई अन्य दस्तावेज यहाँ पे काम नहीं करेगा, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही करेक्शन करने के लिए आप दोगे, ठीक है। अगर आपका साल 0 से लेकर 18 साल से अंदर है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ है वो बदल पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्योर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अदरवाइज जो आपका अन्य सारा जो गेजेट ऑफिसर का जो सर्टिफिकेट है वो भी नहीं काम करेगा, अन्य जो सर्टिफिकेट होता है वो कुछ भी नहीं काम करेगा, ठीक है। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है वो ही काम करेगा। अगर आपके साल 0 से 18 साल से अंदर है तो ये काम करेगा बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपका एज 18 साल से ज्यादा है, 18 प्लस अबव है, तो आप कभी भी आपका जो जन्म तिथि है वो आप बदल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था यूआईडीएन का नया गाइडलाइन। तो आप, मैं दिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, मैं प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरह से आप नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आपका क्लास, मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर जाके दिखाऊंगा। ये तो आपको मालूम पड़ गया है कि आपका अगर आधार कार्ड नहीं जनरेट हुआ, तो आप अगर ये स्टेप नहीं फॉलो करोगे तो आपका आधार कार्ड जो है वो जनरेट नहीं होगा, क्योंकि यूआईडीएन ने ये बंद करके रखे है। तो वो कुछ प्रोसेस उन लोगों ने दिया है, वो प्रोसेस के माध्यम से सिर्फ आपका जो आधार कार्ड है वो बनवा पाएंगे। तो वो प्रोसेस क्या है, मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, 18 साल से अधिक उम्र को लोगों का अब आज नहीं बनेगा आधार कार्ड। जी हाँ, उसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे यूआईडीएन ने बताया है, कुछ प्रोसेस दिया है, कुछ गाइडलाइंस दिया है, उस गाइडलाइन के मुताबिक ही आपका जो आधार कार्ड है आपका बना पाएंगे। अगर आपके साल 18 प्लस है, 18 साल से ज़्यादा है, तो आप इसी जो प्रोसेस है, जो गाइडलाइन है वो अपना कर आपका जो आधार कार्ड है वो आप बना पाएंगे, वरना आपका आधार कार्ड रिजेक्ट होगा, होल पर रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये रास्ता अपनाएं, आपका आधार कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, 18 साल से अधिक उम्र लोगों का अब नहीं बनेगा आधार कार्ड। यहाँ पे देख रहे हो, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का अब नहीं बनेगा आधार कार्ड। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और अब तक किसी भी कारण से आधार कार्ड नहीं बना है, तो अब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यूआईडीएन ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर, ठीक है, आपको ये यूआईडीएन ने नोटिस दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि यूआईडीएन ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर 18 प्लस साल से अधिक उम्र लोगों के नई आधार कार्ड पर रोक लगवाने का निर्देश दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आप 18 से अधिक उम्र के आधार कार्ड धारक जन्मतिथि को छोड़कर अन्य बदलाव करवा सकेंगे। जी हाँ, यहाँ पे भी बताया है कि ये नया आधार कार्ड भी बनवा बंद है, और जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं चेंज कर पाएंगे। अन्य सब कुछ, नाम, एड्रेस, जेंडर, ये बदल पाएंगे वो एनरोलमेंट सेंटर में जाकर, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ जो है वो एनरोलमेंट सेंटर जाकर भी आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली बंद है 18 प्लस लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का अब नहीं बनेगा नया आधार। यहाँ पे बताया गया है, यूआईडीआई के अफसर ने बताया, यूआईडी का जो ऑफिसर होता है, नोडल ऑफिसर जो होता है, जो यूआईडी का कार्य करता है, उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में
100% एटेन पास के आधार कार्ड यूआईडीआई द्वारा बनाया जा चुका है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि बाहरी देशों से आने वाले लोग, जो बाहर देश का जो लोग होते हैं, वो इंडिया में आकर फर्जी सर्टिफिकेट के आधार कार्ड बनवा सकते हैं। जो बिल्कुल बाहर का जो देश होता है, बाहर के देश लोगों का, जैसे कि बांग्लादेश, तो वहाँ से लोग क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं, आके फर्जी सर्टिफिकेट निकल कर आधार कार्ड बनवा लिया है। और बहुत सारा ऐसा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। यूआईडीआई ने जो डुप्लीकेट है वो पकड़ लिया है, इसीलिए नए आधार कार्ड पर रोक लगाई गई है। जो यहाँ के निवासी नहीं है, इसी के देखते हुए वे रोक लगाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे आपको क्लियर बताया गया है यूआईडीआई की तरफ से। यह भी आशंका जताई जा रही है कि बाहरी देश से आने वाले ऐसे लोग भी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर कार्ड बनवा सकते हैं जो यहाँ के निवासी नहीं है, इसके देखते हुए ये रोक लगाई गई है। जी बिल्कुल, इसीलिए यूआईडीआई के नए चेंजेस, बहुत सारा चेंजेस आने वाला है, क्योंकि नया आधार कार्ड बनवाने के लिए अब हल्का डॉक्यूमेंट से नहीं चलेगा, बहुत सारा डॉक्यूमेंट चलेगा, बहुत सारा परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही नया आधार कार्ड बना पाएंगे। जी ठीक है, तो ये उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हालांकि तो ये एक रास्ता है, जिस रास्ता अपना कर आपका जो आधार कार्ड है वो आप बना पाएंगे वो है, हालांकि कलेक्टरों को अधिकार दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल, आपका एरिया का जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर को अधिकार दिया गया है कि वो न्यू आधार कार्ड जनरेट कर पाए। तो उसका रास्ता क्या, हालांकि कलेक्टरों को अधिकार दिए गए हैं कि यदि कई स्पेशल केस है, ठीक है, ये आपको देखना है, यदि आपके स्पेशल केस है, कोई आपका इम्पोर्टेंट इमरजेंसी केस है, जिसका 18 वर्ष से अधिक होने के बाद भी आधार नहीं बना है, तो उस केस की जानकारी यूआईडीआई के पास भेजे जाए। जी हाँ बिल्कुल, यूआईडीआई के पास भेजे जाएंगे और 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति का आधार कार्ड बनवाया जाए। जी हाँ बिल्कुल, वो कलेक्टर के द्वारा ही संभव है। अगर आपके एज 18 साल से ज़्यादा है और आपका आधार कार्ड नहीं है, तो आप पहले कलेक्टर के पास जाना है, कलेक्टर के पास जाके आपको सब कुछ बताना है, तो कलेक्टर यूआईडीआई से बात करेंगे, यूआईडीआई के ऑफिसर से बात करेंगे, और आपका जो आप किस लिए आधार कार्ड नहीं बनवाया है, ये सारा समय से उन लोगों को बताएंगे। आपका क्या इमरजेंसी है जिसके लिए आप आधार कार्ड बनवा रहे हो अभी, तो वो भी बताएंगे, उसके बाद ही आपको परमिशन मिलेगा आधार कार्ड जनरेट करने में, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले पूछताछ की जाए, जी हाँ बिल्कुल, उससे पहले आपको पूछताछ की जाएगी कि अब तक उन्होंने आधार कार्ड क्यों नहीं बनवाया था। आप जब भी कलेक्टर के पास जाएंगे तो आपको पूछे जाएंगे कि इतने दिन आप क्या कर रहे थे कि आपका आधार कार्ड नहीं बनाया आपने, ठीक है। तो ये सारे पूछताछ आपको करेंगे। कलेक्टर को ये अधिकार दिया गया है कि वो चुनिंदा सेंटरों को इसके लिए अभिकृत भी कर सकेंगे, जहाँ पर ऐसे स्पेशल केस के एनरोलमेंट काम किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, उसके लिए कुछ स्पेशल एनरोलमेंट एजेंसी दिया गया है, कुछ सेंटर दिए गए हैं जहाँ पर ये होगा, 18+ का आधार कार्ड होगा, इसके लिए कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। और कलेक्टर के पास जब आप जाएंगे तो वो आपका क्वेश्चन करेगा, उसका सही से जवाब आपको दे देना है, और किस लिए आपका आधार कार्ड नहीं बनाया है वो भी आपको बताना है, और आप किस लिए बनवाना चाहते हैं, क्या इमरजेंसी है, तो वो भी आपको बताना है। उसके बाद कलेक्टर के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट को आप एनरोलमेंट सेंटर में जाएंगे, वहाँ पर आपका आधार कार्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रधान डाकघर आवेदन करना होगा, तो इसके अन्य रास्ता है, आपको डाकघर पर आप बना पाएंगे। तो उसका रास्ता क्या है, डाक अफसरों के अनुसार पूर्व में आधार कार्ड बनवा चुका लोग अब जन्मतिथि भी बदलवा नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया, 18+ लोगों के आप जन्मतिथि भी नहीं चेंज होगा, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे बताया गया, हालांकि नाम, पता और मोबाइल नंबर यदि आधार सेंटर पर संशोधित करवा सकेंगे। जी बिल्कुल, आपका नाम, आपका पता, आपका मोबाइल नंबर, ये सब आधार सेंटर में आप चेंज कर पाएंगे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर पाएंगे। अधिक उम्र का कोई व्यक्ति अभी भी आधार कार्ड से वंचित चल रहा है, तो उसे आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रधान डाकघर पर आवेदन करना होगा। अगर आपका साल 18+ से ज्यादा है, आपका आधार कार्ड नहीं हुआ, तो आप कलेक्टर के पास जाए, या तो पोस्ट ऑफिस में आप एप्लीकेशन करें, तो जिसकी उच्च स्तरीय जांच के बाद ही अनुमति मिल सकेगी। तो पोस्ट ऑफिस में जब आप एप्लीकेशन करेंगे, तो उसके बाद पोस्ट ऑफिस के बाद आपको ये जो आपका जो एप्लीकेशन है वो आप कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट के बाद आपको परमिशन मिलेगा, ठीक है। अगर आवेदन करने के दौरान कोई बात अब तक कर्ता द्वारा
छुपाई गई होगी या गलत जानकारी दी गई होगी तो संबंधित के आधार कार्ड बनाने पर रोक लगा दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रोसेस में आपका अगर कोई भी रोक लगा गया है, किसी वजह से आपका कोई और इश्यू है, तो आपका आधार कार्ड जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो यह ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पर दूसरा जो करेक्शन के जो ऊपर जो नोटिस दिया गया, यहाँ पे देख सकते हो आधार सेवा केंद्र, यहाँ पे जो बताया गया है 18 साल से भरे लोगों का नया आधार नहीं बनेगा, जैसे कि मैंने बताया है, और ना जन्मतिथि बदलनी है और ना जन्मतिथि बदल पाएंगे, ये UIDAI ने नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, ये UIDAI न्यू गाइडलाइन जो कि दिया है, स्टेट कोऑर्डिनेटेड कमेटी बनेगी, वेरीफाई करेगी, तब तक ऐसे आधार होल्ड पर रहेगा। जैसे कि आपका आधार का अगर आपके साल 18 साल से ज़्यादा है तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका आधार कार्ड होल्ड पर क्यों है, क्योंकि वो स्टेट कोऑर्डिनेटेड द्वारा ये वेरीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया 0 से 18 साल तक के बच्चों का ही आधार बनाना है। तो ये एनरोलमेंट सेंटर में आधार कार्ड ने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि उन लोगों को बताया गया है कि 0 से लेकर 18 साल तक का जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसका ही आधार कार्ड बनवाए। ठीक है, और 0 से 18 साल तक के बच्चों का ही जन्मतिथि केवल जन्म प्रमाण पत्र के से ही ठीक होगा। और अगर कोई 0 से लेकर 18 साल से अंदर है और उसका जन्मतिथि बदलना है, तो उसके लिए 100% ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। बर्थ सर्टिफिकेट से ही आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज होगा, कोई अन्य डॉक्यूमेंट से नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ 0 से लेकर 18 साल से है, और 18+ एबव अगर है तो जन्मतिथि बदल नहीं पाएंगे। 0 से लेकर 18 साल तक बदल पाएंगे, लेकिन उसके लिए प्योर ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेटेस्ट आधार सर्कुलर एट, यहाँ पे नोटिस जो दिया है 13/10/2022 को ही यह नोटिस जारी कर दिया था। रेजिडेंट्स इनरोल अंडर द एज ग्रुप ऑफ 0 से 0 to 18 शैल नॉट बी परमिटेड टू अपडेट द डेट ऑफ बर्थ विदाउट प्रोटेक्शन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। In order to ensure proper monitoring of the Aadhaar enrollment, it was decided to develop a state government portal and to go to generate new Aadhaar of adults after verification by the state nodal officer through the state government portal. जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। It has been decided to constitute district levels Aadhaar monitoring committee under the district magistrate and collector UIDAI OM dated 13/9/2022 issued in this regard is attached annexure 3। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में नोटिफिकेशन सिर्फ इतना ही था। तो फ्रेंड्स और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप NSDL के पैन कार्ड के लिए आप एजेंट के सुन रहे हो, तो सिर्फ 300 में मैं आपको NSDL का सर्विस प्रोवाइड करूंगा। आप नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं 300 में आपका जो NSDL पैन कार्ड का जो एजेंसी है, मैं आपको लास्ट टाइम के लिए मैं आपको अप्रूव करा दूंगा, लास्ट टाइम के लिए मैं आपको सेंटर दूंगा। आप पैन कार्ड आप काम कर सकते हैं पैन कार्ड के लिए NSDL ओरिजिनल पैन कार्ड। ठीक है, ओरिजिनल एजेंसी को भी डुप्लीकेट नहीं है, सिर्फ 300 में आपका काम मैं कर दूंगा। आप नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 107 रुपये आपको पर पैन कार्ड में उन लोग कटेगा, और आपका 14 रुपये का जो आपका कैशबैक तुरंत ही मिल जाएगा। और आप कस्टमर से पूछने तो सिर्फ ये आपको ही ऊपर डिपेंड करता है। 107 रुपये आपका वॉलेट से कटेगा और आपका तुरंत ही 14 रुपये का कैशबैक आपको मिल जाएगा। अगर आपका NSDL का पैन कार्ड एजेंसी चाहिए तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर मुझे तुरंत कॉल करें, मैं आपका 10 मिनट में आगे एक्टिवेट करके दूंगा, आप काम कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को ये मालूम पड़े, सभी को ये नोटिस मिल जाए। ठीक है, और उनका जो आधार कार्ड है वो जनरेट कर पाए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे,